आप वो बोलते हो ना, एक तो स्टूडेंट जो क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठा होता है, तो आई हैव बीन ऑलवेज टॉपर इन माय स्कूल कॉलेज, इवन वन ऑफ द टॉपर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल. व्हाई वाज कि जब मैंने उस पर्सन का वेबिनार अटेंड किया तो मेरे क्लासमेट था वो, तो मैंने देखा वो वेबिनार में नियर अबाउट 100 से ज्यादा लोग थे. एंड उसने पूछा कि आप लोग प्लीज बताओ कौन कौन सी स्टेट से हो आप, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और वो लोग सब कर रहे थे सर 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 आपके जैसा बनना है सर ये वो, और उस बंदे की मैं स्पीकिंग स्किल्स देख के हैरान. So Pragya, what is that first thing you see in a man? How he talks with girls, how he behaves. My biggest failure is this business only. Network marketing mein mujhe bhi hai failure. Mujhe life mein kabhi failure nahi mila. So hello ladies and gentlemen, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अन्नो के पॉडकास्ट में. एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुकी है. उसका नाम है प्रज्ञा ढिंगरा. And she's an assistant professor of physics. Along with that, she's doing affiliate marketing. So Pragya, welcome to the Akshay Dhone show. Thank you so much. So Pragya, just मैंने आपके बारे में थोड़ा सा introduction दिया है. It would be really great अगर आप हमारी audience को अपने बारे में छोटा सा introduction दे दें. Okay, sure. So as you know, my name is Pragya Dhingra and I am from Punjab. By qualifications, I have done my MSc physics from Punjab University, Chandigarh. उसके बाद करंटली आई एम अ फुल टाइम फिजिक्स प्रोफेसर. तो आप वो बोलते हो ना, एक जो स्टूडेंट जो क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठा होता है, तो आई हैव बीन ऑलवेज टॉपर इन माय स्कूल कॉलेज, इवन वन ऑफ द टॉपर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल. तो करंटली आई हैव अ 9-to-6 जॉब, बट इन लॉकडाउन आई रियलाइज्ड कि डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर कर चुके थे. लॉकडाउन में सब कुछ डिजिटल हो चुका था. देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ मेनी ऑनलाइन बिजनेसेस, और अभी करंटली मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, थोड़ा सा यूट्यूबर भी हूँ एंड अ बिजनेस कोच. सो या, दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी. वाओ, लाइक प्रज्ञा आपने एक चीज कही कि अलोंग विद योर जॉब 9-to-6 जॉब अभी ये सारी चीजें कर रहे हो, बहुत मुश्किल होता है. लेट मी टेल यू, बिकॉज़ आई एम आल्सो डूइंग द सेम. मैं भी जॉब के साथ साथ अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी कर रहा हूँ. बट है ना, सबका एक वाई होता है कि उन्हें क्यों स्टार्ट करना है. सो अगर मैं आपसे पूछूं प्रज्ञा, लाइक आपके पास तो ऑलरेडी जॉब था, so why did you enter into affiliate marketing business or online business? आपका why क्या था? Actually starting affiliate से नहीं हुई थी. It was in 2020. तो randomly जब हम घर बैठे थे, lockdown हो चुका था, सब cooking recipes try हो चुकी थी and हम सब bore हो गए थे. तो उस time पे मेरा एक classmate था मेरे college में, ठीक है, तो उसकी story Instagram पे, तो ऐसे message वगैरह किया, तो उसने मुझे बुला लिया webinar के अंदर, ठीक है. तो मनी मेरे लिए कभी भी ड्राइविंग फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि मैं 22 की एज में प्रोफेसर बन गई थी, ठीक है. तो मतलब जस्ट नाउ, मतलब मार्च में मैं पास आउट थी एंड जुलाई में मैं सेम प्लेस पे प्रोफेसर थी. तो मनी मेरे लिए कोई इतना नहीं था कि पैसे कमाने हैं मेरे, मुझे ऐसा था कि छोटी छोटी ख्वाहिशें बस, और क्या चाहिए लाइफ में, पापा पैसा क्या होता है, हाथ की बैल होता है, तो नहीं था. द थिंग दैट, मतलब जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई, दैट वाई वॉज कि जब मैंने उस पर्सन का वेबिनार अटेंड किया, तो मेरे क्लासमेट था वो, तो मैंने देखा वो वेबिनार में नियर अबाउट 100 से ज्यादा लोग थे. एंड उसने पूछा कि आप लोग प्लीज बताओ कौन कौन सी स्टेट से हो आप, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और वो लोग सब कर रहे थे सर 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 आपके जैसा बनना है सर ये वो, और उस बंदे की मैं स्पीकिंग स्किल्स देख के हैरान. मैं बोलूं यार मैं नहीं बोल सकती, आई बीइंग अ प्रोफेसर, उस टाइम मैं प्रोफेसर बन चुकी थी, कि मैं नहीं बोल सकती 100 लोगों के सामने और इतना फ्लुएंटली. तो वो चीज ने एक्चुअली मुझे ड्राइव किया. एंड देन मैंने कहा कि हाँ यार लेट्स गिव इट अ शॉट, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो तो ना कॉम्पिटिटर, मैं भी करूंगी. उस चीज की वजह से बिजनेस में आई. एंड उसके बाद माइंडसेट चेंज हुआ जब पता चला जब पैसा हाथ में आता है, मनी इंपॉर्टेंट कैसे है. और फिर वो कहता है ना, एक बार जब शेर के मुंह पे खून लग गया, तो अब वो फ्रीडम और मनी वाला वो लग गया है. तो वो वाई वही है कि ड्रीम्स अपने दम पे पूरे करने हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं. अगर लड़की हूं तो क्या हुआ, मेरे पापा या हस्बैंड थोड़ी करेंगे, मुझे अपने दम पे करना है. वो वाई मुझे फिर वो कैरी करती है कि यहाँ घूमने जाऊं, ये खरीदूं, ये करूं, बस दैट इज माई वाई. Wow, like it's really amazing कि आपने जर्नी स्टार्ट की ऑनलाइन वाली. तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी प्रज्ञा, जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, राइट, बिकॉज यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड. तो आप अपने लाइफ के 3 चैलेंजेस बता सकते हो जब आपने ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की थी प्रज्ञा? तो सबसे बड़ा चैलेंज, आई थिंक 3 चैलेंजेस मैं बोलूं, फ्रेंड्स, फैमिली और वो सेल्फ इमेज से बाहर आना. ये 3 चैलेंज सबसे ज्यादा बड़े थे. हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में जब हम नहीं होते ना, तो हम अपना बिगेस्ट सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, उन्हीं के लिए जीते हैं. बट यही लोग सबसे बड़ा चैलेंज हो जाते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हो जो उन्होंने कभी सुना नहीं होता और देखा नहीं होता है. बिकॉज समथिंग जो सोसाइटी अकॉर्डिंग सब नहीं करते वो गलत होता है, वो सही नहीं होता,
है ना। तो ये चीज मैंने बहुत फेस करी। तो फैमिली ने स्टार्टिंग में इतना नहीं ट्रस्ट शो किया, क्योंकि खुद सोचो लड़की जो पढ़ने वाली है वो बोले कि मुझे पापा ऑनलाइन बिजनेस करना है, ये वाले प्रोडक्ट्स में डील करना है, और तो फैमिली का रिएक्शन आता है यार फलाने ने मेरे दोस्त की वाइफ ने किया था, कुछ नहीं होता, पैसा लगाया कुछ भी नहीं हुआ। तो जनरली एग्जाम्पल्स आपको यही मिलती है। तो ट्रस्ट नहीं था फैमिली का उतना, और जनरली जैसे लॉकडाउन था मैंने बोला उस टाइम पे, तो फिर भी जैसे 8 बजे कई बार मीटिंग होती है, सर्दियों में भी आप सुबह 6-7 बजे उठ के मीटिंग लगाओ, घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता था, फ्री बैठे रहो सारा दिन लॉकडाउन में, दैट इज मतलब एक्सेप्टेबल, लेकिन तुम उठ के कहा ये मीटिंग लगा रहे हो, ये फालतू काम है, ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनको वो नहीं दिख रहा था जो मुझे दिखना चाहिए था। तो रिजल्ट्स जब आए तो फैमिली ने भी फिर बिलीव किया। फ्रेंड्स की जैसे मैं बात करूं तो आई हैड बीन अ पर्सन जो फ्रेंड्स के लिए जीती है, मतलब मैंने इतना फ्रेंड्स फ्रेंड्स किया है ना, अपने ऊपर हमेशा फ्रेंड्स को रखा है। बट देन आई रियलाइज कि जब कहते हैं ना फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन अ डीड, तो जब मैं इस फील्ड में आई तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी दिख जाती है थोड़ा सा, कि कौन खड़ा है आपके साथ कौन नहीं। तो फ्रेंड्स भी उतने सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये होता भी है। आज भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि सच में पैसा आता है, मतलब आप दिखाते हो कि बैंक में भी आता है पैसा। तो फिजिक्स वाले पर्सन को तो वैसे ही नहीं कुछ पता होता, बिजनेस बारे में क्या पता होगा, भी नहीं पता होता हमें, सिर्फ साइंस वाले बच्चों को कुछ नहीं आता होता, ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। तो नहीं उतना सपोर्ट मिला। तो और थर्ड चैलेंज ये था, क्योंकि आप हमेशा से वो पढ़ने वाले, हमेशा वो इमेज में रहे हो, और ऑल ऑफ अ सडन आप सोशल मीडिया पे पब्लिक हो जाते हो। अब आप जो बंदे ने कभी फोटो नहीं डाली, आप वहां पे चार चार पांच पांच स्टोरीज डेली डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, एंड फिर आपको होता है यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। सबसे बड़ी ये चीज कि यार ये टॉपर, मेरी ऐसे रिस्पेक्ट एज अ टॉपर रही है कि यार ये सोचेंगे कि क्या चार चार पांच पांच डेली के स्टेटस डालती है, फ्री है पता नहीं क्या करने लग गई, कि लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे। अच्छा अर्निंग तो मेरी हो नहीं रही, क्योंकि इन द बिगिनिंग 3-4 मंथ्स मेरी अर्निंग सिर्फ 300 रुपए हुई थी, इतनी मेहनत करी एंड 300 रुपए, मैं बता तो सकती नहीं थी कि मेरी नई अर्निंग हो रही है। वो बहुत बड़ा चैलेंज था। जब आप अर्निंग नहीं कर रहे होते हो लेकिन आप प्रमोट खुल के कर रहे हो कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर वो बहुत बड़ा चैलेंज था। टाइम लगा, स्टार्टिंग 5 to 6 months वर वेरी चैलेंजिंग, बट वो कहते हैं ना मेहनत का फल मिलता है, तो फिर वो बाद में आपको फल मिला। एंड अब वही दोस्त, आज भी मुझे एक फ्रेंड, मुझे रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, तो मैं बोली थी, मैंने कहा तुझे लगा नहीं मैं 3 साल हो गए चेंज होगी, कहते नहीं बस ज्यादा चेंज नहीं है, बस डेली के 200 स्टेटस डालती है। तो मैंने उसको, तो अब फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे पता है, तो मैंने उसको वैसे छेड़ दिया। मैंने कहा फिर क्या हो गया, तू सारे तो देखता आके, फिर भी सारे तू आके देखता है कि मैं तो डालती हूँ, तू तो देखता है आके। तो अब वो चीजें नहीं रही, मतलब बिगिनिंग में बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। एंड हाउ यू फील राइट नाउ कि लाइक वो वाला फेज जहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिला था, आपकी 6 महीने तक काफी ज्यादा अर्निंग भी नहीं हुई थी, फिर भी आप कॉन्फिडेंटली अपलोड कर रहे थे, हाउ डू यू फील राइट नाउ? वो वाला फेज और अभी वाला फेज क्या डिफरेंस है? देखो सक्सेस ना आपको सब दे देती है, आई फील दैट, और वो भुला भी देती है आपका वो बुरा टाइम ना। तो अभी मैं वो याद नहीं करती हूँ, ठीक है, जिसने जैसा किया जो वो उनका था, वो सही भी थे, क्योंकि उन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं था, और मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई थी जो है ही नहीं था कहीं आसपास भी नहीं, तो दे वर राइट ऑन देयर पार्ट। तो अब मैं अपनी सक्सेस पे फोकस करती हूँ। अब फर्क यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे पता है वो लोग क्या सोचते हैं, दे आर लाइक कि कैसे यार करती है, सही है तेरा तो हो रहा है, जॉब में भी जा रही है, बिजनेस में भी हो रहा है। तो अब वो फर्क यह है कि अब फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, हर हफ्ते में ऐसे होता है बेटा कितनी इस बार हफ्ते की, अब इतनी हो गई है, तो आता है गिफ्ट्स भी देती हूँ घर वालों को, तो एक हैप्पीनेस है, तो वो पीछे वाली चीजें भूल जाते हैं। आई थिंक वन शुड लेट गो, कि याद नहीं रखना चाहिए, बस उससे जो चीजें सीखी वो अब अप्लाई करती हूँ, दैट्स इट, अब ये फेज है। Absolutely, I agree with you, and मैं ना काफी आपके स्टोरी से रिलेट कर पा रहा हूँ प्रज्ञा, बिकॉज यू नो वॉट, ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो जॉब कर रहे हैं एंड उन्हें लगता है जॉब ही सब कुछ है एंड दे डोंट थिंक कि सेकंड इनकम होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, लाइक लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्यों भागना चाहिए उसके पीछे, या फिर क्यों अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, व्हाई? देखो सबसे पहले तो जो जॉब पर्सन है ना, पहले तो आपको क्या सिक्योरिटी है जॉब की, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। क्या अब एक लॉकडाउन लगा, बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जो 20-20 साल के जॉब पे पर्सन बैठे थे उनको निकाल दिया, अब आपको क्या गारंटी है आगे और कोई पैंडेमिक नहीं आएगा, क्योंकि बीमारियां तो बढ़ने ही वाली हैं। तो आप कैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो सकते हो कि कल को वो चलेगी और आप बिल्कुल कंगाल होकर बैठ गए,
राइट। दूसरी चीज, मैंने बहुत लोगों को देखा है जब जैसे मैं बिजनेस शेयर करती हूँ, वो बोलते हैं मैम हम करना चाहते हैं बट मेरी ना फलानी तारीख को सैलरी आएगी फिर मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब जॉब पर्सन की लाइफ पता है क्या, अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप पूरा मंथ वेट करते हो सैलरी आएगी मैं ये करूंगा, सैलरी आएगी मैं वो करूंगा, सैलरी आती है 10 दिन में सैलरी खत्म, फिर अगले 20 दिन आप सेम यही चीज बोलते हो सैलरी आएगी फिर मैं ये करूंगा। तो आप फिर जैसे कहते हैं ना, सैलरी से आपकी ब्रेड एंड बटर तो अच्छा रहेगा बट आप लाइफ में कब अपने ड्रीम्स पूरे करोगे? मतलब नौकरी में मानते हैं ऐसी चीज है जो आपको भूखा कभी नहीं मरने देगी बट आपको कभी कुछ बहुत बड़ा भी नहीं करने देगी, क्योंकि वो आपका इतना चीज, इतना पोटेंशियल ले लेती है ना, इतनी एनर्जी ले लेती है कि आपके पास नहीं बचता कि आप कुछ और कर सको। इट इज हार्ड बट अगर हो, चलो हम लोग कर रहे हैं बट इट इज हार्ड। तो आपके पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि मुझे अगर मेरी सैलरी अभी अभी खत्म हो चुकी है मेरी, फिर भी मेरा मन करता है कोई अच्छी ड्रेस लेनी है, मेरा मन करता है मुझे गोवा घूमने जाना है, तो मुझे बैंक बैलेंस ना देखना पड़े, मुझे घर वालों से ना पूछना पड़े। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी इज माई प्लेजर इनकम, मैं उड़ाती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरी सैलरी गोज टू माई सेविंग अकाउंट और मेरी बिजनेस अर्निंग जितनी भी शो होती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, मेरे अकाउंट में नहीं है वो वो सारी उड़ा दी है मैंने। तो वो इंजॉयमेंट के लिए यू शुड हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि सेविंग तो हो रही है ना यार, सेविंग खराब नहीं हो रही है और मजे भी कर रहे हो आप, तो यू शुड हैव दो, नहीं मैं तो बोलूंगी 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। Yes, आज के इसमें तो दो भी बहुत कम पड़ जाते हैं। एंड जैसे आपने एक चीज कही ना, आप मुझे बहुत सही लगी कि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है जो आपकी जॉब, वो ब्रेड एंड बटर के लिए सही है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप अपने लग्जरीज चीज के लिए आप स्पेंड कर सकते हो, आपको शॉपिंग जाना है, खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इसलिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रज्ञा कैसा होता है ना, ये जो ऑनलाइन चीजें होती है आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता एंड ट्रस्ट ना होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं करते, एंड स्टार्ट करते भी है तो वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं स्टार्टिंग के मंथ में, 2-3 महीने में। सो ऐसे कौन से 3 मिस्टेक्स है, मेजर मिस्टेक्स जो लोगों को अवॉइड करने चाहिए जब वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? प्रज्ञा देखो, पहले तो कभी भी आप ऑनलाइन बिजनेस, चलो आपने माइंडसेट बना लिया, आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया, कभी भी इस माइंडसेट से मत आओ कि 2 दिन में मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, 4 दिन में मैं इतना कमाने लग जाऊंगा, क्योंकि आप 22 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हो, आप पहले 12th तक आप स्कूल जाते हो, फिर आप बैचलर्स करते हो, बैचलर्स के बाद भी मैं आपको बताऊं आप नौकरी लेने जाओगे 15,000 की नौकरी मिलती है एट एन एवरेज लेके चलो। जब आप इतने साल अपनी लाइफ के लगाते हो और उसके बाद आपको इतने लाखों, पहले तो टाइम लगाया फिर लाखों लगाने के बाद आपको 15,000 की नौकरी मिल रही है, वहां पे बी प्रैक्टिकल कि आप 4 दिन में आके डेली का 1,000 रुपए नहीं कमा सकते हो। देखिए माना कि चलो यहाँ पे इजियर है बट ऐसा नहीं है कि आपने बिना कुछ सीखे आए, मैम हमने ज्वाइन कर लिया, मैम मेरी अर्निंग नहीं हो रही, 4 दिन हो गए, दिन के हिसाब से अर्निंग नहीं होगी, आपकी लर्निंग के हिसाब से होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो ईगर होते हैं ना बस अर्निंग अर्निंग अर्निंग, वो लोग यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हो पाते, ठीक है। सेकेंड जो लोग ये सोचते हैं चलो मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं लर्निंग करूंगी मैम, बट हम स्टेटस स्टोरीज नहीं लगाएंगे, मैं 4 या फिर 4 दिन लगाए लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि मैं स्टेटस, वो डर रहता है, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। देखो आप यहाँ पे कुछ बुरा तो कर नहीं रहे हो, है ना, हम आराम से किटी पार्टी करते हैं, अगर गर्ल्स है तो गॉसिप्स भी करते हैं, फलाने का ये हो गया तो हम खुले आम पूरा हर जगह फैला देते हैं बात, है ना, वो गर्ल्स वाली हमारी है, किधर को बताया उसको बताया, बट वहां पे आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है तो आप उसको क्यों नहीं फैला रहे हो, तो खुल के प्रमोट नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। देन थर्ड थिंग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आप अपने न्यू स्ट्रैटेजी, सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, देखो क्लास में मार्क्स मिलते हैं, आप लिख के आओगे, ठीक है, अगर सब बच्चों ने सेम लिखा मैडम उतनी नंबर देगी, आप कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। जनरली एक्सक्यूजेज आते हैं, मैम मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मैम मैं कर रही हूँ, मैं डेली 2 घंटे दे रही हूँ बट मेरा ये नहीं हो रहा, हर एक क्वेश्चन या हर एक एक्सक्यूज के आगे ना क्यों लगा दो, मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरे से नहीं हो पा रहा, क्यों मेरा सोशल मीडिया नहीं ग्रो कर रहा, क्यों मेरे से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों मेरी अर्निंग नहीं हो रही, ये क्यों लगा दोगे ना, अपने अंदर मिस्टेक्स ढूंढोगे और उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। मतलब मैंने अपने टाइम पे ऐसा किया कि मेरे जो सीनियर को भी नहीं आती होती थी ना स्ट्रेटजीज, मैं उसको बताती थी यार ऐसे करते हैं, तो यू हैव टू बी लाइक दैट। आप यूट्यूब पे जाओगे ना आपके हर क्यों का जवाब मिलेगा आपको, तो आप सोर्स तो सर्च तो करो, आप बस बैठ के एक्सक्यूजेस बनाओगे कुछ नहीं होने वाला, क्यों का आंसर निकालोगे सब होगा। तो ये 3 चीजों पे वर्क कर लो, आई थिंक सही हो जाएगा। बिल्कुल, एंड मुझे आपका है ना वो वाला पॉइंट बहुत सही लगा कि लाइक अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसके एंड में क्यों लगाओ कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको है ना सॉल्यूशन खुद दिमाग देने लग जाएगा। एंड ये चीज होती है ना, अगर हम मान लेते कि हमसे नहीं हो पाएगा
तो आपसे वो कभी नहीं हो पाएगा. बट अगर आप ये बोलते हो ना कैसे हो पाएगा, तो पॉसिबिलिटीज दिखती है सामने वाले को कि हाँ यार ये चीज अगर इसने की है तो मैं भी मेहनत करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा, राइट. बट एक मेजर प्रॉब्लम फिर भी आती है लोगों को सारी चीजें करने के बाद, वो है कंसिस्टेंसी. लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. एक हफ्ता करेंगे, दो हफ्ता करेंगे, एक महीना करेंगे, रिजल्ट नहीं आया, लोग क्विट कर देते. सो हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट प्रज्ञा, आप हमारे ऑडियंस को बताओ. ये तो एक्चुअली हमारे जॉब पर्सन के लिए सबसे टफेस्ट टास्क है टू बी कंसिस्टेंट, है ना. देखो कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगी इट इज डिसिप्लिन. आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, ठीक है. मेरा भी मन नहीं करता, जैसे हम जॉब भी बात करते हैं ना, किसी का मन नहीं करता भी इतनी, अब जैसे पंजाब में इतनी ठंड है इस टाइम, किसी का मन नहीं करता सुबह 9 बजे उठ के आप जाओ, 8 बजे उठ के आप जॉब पे जाओ. किसी का मन नहीं करता वहां जाके बोलो. मुझे लेक्चर देने में कई बार होता है यार बोलने का मन नहीं कर रहा, बट बोलना पड़ेगा ना. चलो दैट इज योर जॉब, अगर आपकी है वहां पे तो आपको करना पड़ेगा. आप डिसिप्लिन में हो, आपको सैटरडे या तो सैटरडे भी जाना पड़ेगा, 6 बजे बुलाया तो 6 बजे भी जाना पड़ेगा. जब आप जॉब में किसी भी नौकरी में इतना अपना 100% देते हो, वो भी आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप अपने लिए डिसिप्लिन क्यों नहीं दे सकते हो. मान लो अर्निंग नहीं भी हो रही है, हमारे साथ भी होता है कई बार, होता है हफ्ते में डाउन जाता है बिजनेस, अप डाउन होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं स्टेटस स्टोरी नहीं डालूंगी. मेरे स्टेटस स्टोरी या कोई भी जितने भी टॉप अर्नर्स जो अच्छा कमा रहे हैं, कभी भी उनके स्टेटस स्टोरी पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि पर्सन का बिजनेस डाउन चल रहा है अप चल रहा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन ऐसा मेंटेन्ड है. मेरा भी मन नहीं करता मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालूं, मन करता है चलो आगे घर सो जाओ, लेकिन हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट कम नहीं होनी चाहिए. तो आपके जो टास्क है, डेली टास्क है, आपको वो परफॉर्म करने ही है, चाहे कुछ आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है. मेरा ही मानना है अगर कोई पर्सन ना अपना कर्म करे तो फल चाहे लेट हो जाएगा पर उसको मिलेगा जरूर, है ना. हम भी बोलते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर. मैं खुद उसकी एग्जांपल हूं, मैंने बहुत कर्म किया है, 5-6 महीने किया है, नहीं मिला रिजल्ट, आज मिल रहा है ना, इतने टाइम बाद मिल रहा है, तो मिल तो रहा है क्योंकि गिव अप नहीं किया. तो गिव अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन. अपना जो डेली रूटीन के काम है वो बस आपने करने हैं, फल छोड़ दो, बस मुझे काम करना है अपना. डेफिनेटली धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जस्ट बी कंसिस्टेंट, करना है बस. बिल्कुल. एंड ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना उनको क्विक रिजल्ट नहीं मिलते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. जितने भी सक्सेसफुल लोग आज हमें दिखते हैं, ऐसा नहीं कि वो 2 दिन में या फिर 3 दिन में सक्सेसफुल बने, उनके पीछे की मेहनत बहुत होती है, उनके सक्सेस के पीछे बहुत साल होते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, राइट. सो प्रज्ञा आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शेयर की, अपने मिस्टेक्स कौन से अवॉइड करने ये भी बताया. अभी हम बढ़ रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द पॉडकास्ट, जो कि है दिस और दैट राउंड, एंड ये बहुत फनी होने वाला है. सो एंड आपको जो क्विक आंसर देना, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा यू हैव टू गिव द आंसर. सो प्रज्ञा आर यू रेडी फॉर दिस और दैट राउंड? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम दिस और दैट राउंड, सो आई विल ट्राई कि आई कैन बी क्विक एज पॉसिबल. Absolutely. ये भी मेरा भी first time ही है, because first time मैंने ये वाला section add किया ताकि और interesting बने चीज़ें. Okay? First, video call or text message? What do you prefer, Pragya? Text message. Okay. Love, money, house. You have to choose between one. Love. Okay. Mountain or beaches? Beaches. क्योंकि मैंने देखे नहीं है beaches अभी तक, तो मुझे देखने हैं. Startup or job? Startup. Okay. Serious relationship or casual? Serious, of course. Gold or stocks? Gold. Okay. Silent or talkative? Depends, but generally up talkative. Okay. So, आपने बहुत अच्छे answers दिए, इतनी देर, 7 this or that. So, उसके बाद अभी last round है हमारा. वो इससे भी आपको क्विक में देना है, और ये है हमारा राउंड 3, विच इज रैपिड फायर राउंड. ओके, आपको बताना भी है और एक लाइन में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इफ यू वांट टू. ठीक है, सो रैपिड फायर राउंड के लिए आप रेडी हो प्रज्ञा? रेडी. ओके, सो प्रज्ञा व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग यू सी इन अ मैन? हाउ ही टॉक्स विद गर्ल्स, हाउ ही बिहेव्स, ही इज लाइक अ जेंटलमैन, देन आई एम अट्रैक्टिव. Okay, that's really a good one. Pragya, which is your one biggest fear? My biggest failure is this business only. Network marketing mein mujhe failure. Mujhe life mein kabhi failure nahi mila. Yahi hai. And any specific reason ki aapko uspe failure mila, so ye aapka fear ho gaya? Nahi, fear? Achha, fear poochha tha aapne. Biggest fear.
हाँ, फियर है बिगेस्ट फियर अपनी डर. नजरों में ना गिर जाऊं। हाँ, अपनी नजरों में नहीं गिरनी चाहिए, मतलब मुझे ओके अपने आप पे हमेशा ऐसा होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ओके कूल. थ्री थिंग्स यू डू इन योर फ्री टाइम प्रज्ञा. नेटफ्लिक्स, ओके स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और सर्चिंग फॉर द रील आइडियाज, ओके एंड या फिर बस थर्ड थिंग आई थिंक मे बी टीवी देख लेते हैं कभी कभी। ओके कूल. दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट वन जो मैं आपको अभी पूछने वाला हूँ. वन बेस्ट केप्ट सीक्रेट विच यू हैव नेवर शेयर्ड विद एनीवन बट यू हैव टू शेयर इट राइट नाउ. वन बेस्ट, वन बेस्ट केप्ट सीक्रेट जो आपने अभी तक सीक्रेट छुपा के रखा है, आपने किसी के पास साथ शेयर नहीं किया, बट अभी राइट नाउ आप शेयर करोगे एक सीक्रेट. सीक्रेट तो ऐसा सच नहीं है क्योंकि हम लोग सब खोल ही देते हैं। सीक्रेट एज सच मे बी क्या बताऊं, चलो एक चीज बता देती हूँ जो किसी को भी नहीं पता है, दैट आई कैन नॉट सिंग। मेरी फैमिली में सब लोग मोस्टली सिंगर्स हैं, मेरी सिस्टर्स आर वेरी गुड सिंगर्स, मेरी फैमिली भी अच्छे से करते हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से ऐसा दिखाया ना कि इसकी आवाज ऐसी, मैं ना मजाक उड़ाती थी उनका हमेशा कि जैसे गाना कोई गा ओके रहा है तो मजाक, तो दे आर लाइक कि प्लीज बंद कर आवाज, है ना, गधे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो मेरा एक फोबिया बन गया है कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। मैंने खुद की आवाज नहीं कभी सुनी कि मैं सिंगिंग कैसे सुनती हूँ, तो आई कैन नॉट सिंग एट ऑल। तो एक ये चीज है ओके जो किसी को नहीं पता है। ओके सो आपने ये फर्स्ट टाइम शेयर किया इस फर्स्ट पॉडकास्ट पे, राइट? टाइम फेयर, राइट। ओके नेक्स्ट, योर फेवरेट थ्री प्लेसेस. माय फेवरेट थ्री प्लेसेस दैट आई वांट टू गो राइट नाउ इज नंबर वन गोवा, ठीक है, नंबर टू पेरिस, एंड नंबर थ्री आई वांट टू गो टू यूएस वंस, ओके एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई गोवा, क्यों? क्योंकि गोवा मैं अभी प्लान कर रही हूँ। क्योंकि गोवा हमने बहुत सुना है ना, मेनली दे आर लाइक कि कपल्स दे गो आफ्टर मैरिज, और मुझे चाहिए, मैं अपने दम पे करूंगी तो मुझे बिफोर मैरिज जाना है, एंड वो ओह डालना है बीचेस की दैट्स फोटोग्राफ्स ग्रेट. एंड ऑल डालना है, तो गोवा। एंड व्हाई पेरिस? पेरिस क्यों? वैसे जो दूसरे लोग बताते हैं, अब गए तो हम है नहीं है, तो जो दूसरे लोग बताते तो हमारा मेनली वो होता है कि वहां जाना। हाँ, एक और मैं ऐड करूंगी, वंस जहां पे मैं जा चुकी हूँ दैट इज मनाली, मतलब आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एट मनाली, तो वो मैं दोबारा भी वाह जा सकती हूँ। ओके कूल. नेक्स्ट, वन पर्सन हुम यू एडमायर अ लॉट इन योर लाइफ. अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली तो देर इज वन पर्सन जो मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन रहे इन द होल जर्नी, इज नेम इज आशुतोष प्रतिहस्त, क्योंकि उनको मैंने देखा है फ्रॉम नेटवर्किंग टू एफिलिएट, तो वो जैसे वर्क करते हैं ना, द काइंड ऑफ वर्कहोलिक ही इज, तो मतलब आई एडमायर हिम हिज वर्क अ लॉट, तो इन द ओके बिजनेस ग्रेट. वर्ल्ड भी। थ्री मोस्ट इसेंशियल थिंग्स यू ऑलवेज कैरी इन योर बैग. लड़की के बैग में चीजें देखो, कॉमन आप ऑलवेज बता सकते हो, कैरी, जनरल हाँ, जनरल, इज अ इसके बिना तो आप कॉम, लाइक जा ही नहीं सकते. हाँ, इज अ कॉम, इज अ लिपस्टिक, ठीक है, एंड अ वाटर बॉटल। ओके दैट्स कूल. सो आपने रैपिड फायर के सारे क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से दिए, एंड इसी के साथ हमारा राउंड थ्री भी खत्म होता है. सो प्रज्ञा, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी बताई, हमने राउंड टू दिस और दैट वाले में भी यू आर आउटस्टैंडिंग एंड रैपिड फायर तो यू रॉक्ड इट, एंड आपने जर्नी भी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुनने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं उनको काफी सारी चीजें सीखने मिलने वाली है. अगर आप एक मैं लास्ट मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को जो आपको देख रही है, सो वो लास्ट मैसेज क्या होगा प्रज्ञा? उनको बोलूंगी कि आपके सामने मैं एग्जांपल हूं कि जो पर्सन, जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ाई में नंबर लेके आओ, भी मैंने 90s में नंबर लिए हैं, वो पर्सन जिसके पास एक प्रॉपर जॉब है, ठीक है, प्रॉपर, आई एम नेट एंड गेट एग्जाम क्वालिफाइड ऑल्सो, ठीक है, तो प्रॉपर जॉब होने के साथ साथ भी मैं ये वर्क कर रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक एवरीबॉडी को, हर किसी को रियलाइज होना चाहिए कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हमारा आना मुश्किल है। आप एक चीज रियलाइज करो, हर जब लॉकडाउन था तब भी हम लोग बैठे थे घर पे, लेकिन सेलिब्रिटीज कमा रहे थे एड्स दे दे के, इंस्टाग्राम पे एड पोस्ट करके, तो आप रियलाइज करो कि आप एंड्रॉयड के जमाने में नोकिया लेके नहीं बैठ सकते हो, तो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करूंगा, आपको करनी पड़ेगी, अब टाइम आ चुका है, तो आपको आना ही पड़ेगा डिजिटल वर्ल्ड में, जो पहले आ जाएगा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट। दूसरा, फॉर माई स्टूडेंट्स, दिस इज माई मैसेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको क्या पता, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या करियर ऑप्शन आप लेना चाहते हो, आपके दिमाग में चार ही होंगे, चार पांच में से आप आंसर दे दोगे, बट अगर आपको पता है कि 100 कौन से ऑप्शंस हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं डबिंग आर्टिस्ट बन सकता हूँ, या मैं हैकिंग कर सकता हूँ, या मैं ग्राफिक डिजाइनर बन सकता हूँ,
तो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है. सो अंटिल यू सी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप अपना करियर किसी फलाने के रिश्तेदार के भैया ने किया था तो वो सक्सेसफुल हो गया, डोंट जज इट ऑन दैट बेसिस, क्योंकि वो उसके लिए हो सकता है आपके लिए नहीं. तो एक्सप्लोर करो जितना अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कर सकते हो. यू नेवर नो कि मेरे जैसे फिजिक्स प्रोफेसर को नहीं बोल पता था कि वो बिजनेस कोच बन जाएगी, तो आप क्या बन सकते हो. सो दैट इज माई मैसेज फॉर यू, गिव इट अ शॉट. दैट्स वॉट अ लवली मैसेज प्रज्ञा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है, एंड स्पेशली वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत होते हैं बट हमें पता नहीं होते, सिर्फ चार पांच ही पता होते हैं, बट अगर आपके सामने 100 अपॉर्चुनिटीज रहेंगे तो आप उसमें से चूज कर सकते हो कि कौन सी करनी है, राइट? सो प्रज्ञा आप अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बता सकते हो लोगों को, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा प्रज्ञा की, अगर अगर किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो डेफिनेटली प्रज्ञा को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. आप एक बार भी बता दो अपना इंस्टाग्राम. प्रज्ञा ढिंगरा 18, प्रज्ञा ढिंगरा 18 इज माय इंस्टाग्राम आईडी. मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सर्च कर सकते हो, प्रज्ञा ढिंगरा जस्ट आप टाइप करोगे आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है आपकी वर्क रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. डेफिनेटली, एंड आपको यूट्यूब लिंक प्रज्ञा का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच प्रज्ञा फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट की आपने अपनी जर्नी शेयर की, काफी ज्यादा मजा आया, एंड आपके साथ जो आपने जर्नी शेयर की मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली. बहुत कम बार ऐसा होता है कोई भी पॉडकास्ट से मुझे अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलती है, सो वो मैंने आपसे भी सीखी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. या एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. बट या थैंक यू सो मच.